आदित्य हृदय स्तोत्र क्या है? ये एक ऐसा स्तोत्र है कि जब भगवान राम, ये वाल्मीकि रामायण में दिया गया है इसका रेफरेंस, कि जब भगवान राम रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तो फर्स्ट आफ्टर सम टाइम ही गेट्स टायर्ड। अब डू यू थिंक भगवान थक सकते हैं? उनके लिए तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और रावण खत्म। बट सिंस उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया और वो दुनिया में धर्म की स्थापना करना चाह रहे थे, तो उन्होंने ये सारी लीला रची। ठीक है, अब ये आदित्य हृदय स्त्रोत्र अगस्त्य ऋषि उनके पास लाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ये चैंट कीजिए, तो फिर इसकी पावर से यू विल बी एबल टू डू संहार ऑफ रावण। सो राम भगवान आदित्य हृदय स्त्रोत्र की 3 बार चैंटिंग करते हैं। सो ऑफ कोर्स इसका रेलेवेंस, इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा तभी होगा जब हम 3 बार इसकी चैंटिंग करेंगे। और जब हम आदित्य हृदय स्त्रोत्र पढ़ते हैं तो बहुत सारी एनर्जी हमारे में आती है, पावर आती है टू डिफीट आर एनिमीज। हमारे एनिमीज सब कुछ हो, कुछ कोई भी हो सकता है। पावर्टी हमारी एनिमी हो सकती है, एनी टाइप ऑफ वाइसेस। सो ये वाल्मीकि रामायण में आया है। तो राम जी ने ये लीला क्यों रची? ताकि हमारे जैसे लोगों को वो एक स्त्रोत्र दे दे जिसको पढ़ने मात्र से वी कैन एक्टिवेट लॉट ऑफ एनर्जी इन अस। सो आदित्य हृदय स्त्रोत्र हमें कल पढ़ना है। तो हमें कल क्या क्या करना है? हमें नहाना है, हमें दान देना है, सूर्य को अर्घ देना है, आदित्य हृदय स्त्रोत्र पढ़ना है, अपने एंसिस्टर्स को भी नहीं भूलना है, उन्हें याद करना है, प्रणाम करना है। ऑफ कोर्स अगर कोई तर्पण और ये विधि कर सकता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो वी कैन जस्ट रिमेम्बर देम एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स एंड ब्लेस देम एज वेल। सो दिस वाज अबाउट मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति पे 3-4 चीजें कल हुई। एक भीष्म पितामह ने अपना प्राण त्यागे क्योंकि श्री कृष्ण ने उनको बोला था कि इस समय जो भी प्राण त्यागेगा, क्योंकि अंडरस्टैंड साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं 22 दिसंबर तक सूर्य में बिल्कुल पावर नहीं होती है, फिर वो नदन हेमिस्फीयर की तरफ मुड़ने लगता है। स्पेसिफिकली ऑन 14th of January इफ वी टेक हिंदू कैलेंडर, देर इज अ प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स जिसकी वजह से 14th of January में मोर ये ज्यादा इफेक्टिव होता है सूर्य। अब ये सूर्य धीरे धीरे अपनी ऊर्जा लाएगा, प्रकाश लाएगा। सो यहां से एक नई जर्नी, अ न्यू जर्नी विद लाइट एक्सपेलिंग द डार्कनेस। सो ये 6 महीने बहुत अच्छे महीने हैं। तो जो हम प्राणिक हीलर्स हैं, हम हमेशा ये चीज इन्वोक कर सकते हैं, बार बार कॉन्शियसनेस को रेज हाई अप कर सकते हैं कि हम इस उत्तरायण में ही अपना शरीर त्यागे। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। सो दिस वॉज अबाउट मकर संक्रांति। किसी को कोई क्वेश्चन